हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो के माध्यम से आपको यूपी लेखपाल भर्ती से संबंधित अपडेट देखने को मिलेगा। क्या भर्ती को निरस्त कर दिया गया है, इस बारे में इस न्यूज़ में देखने को मिलेगा। ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि लेखपाल भर्ती जो 31 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था उसे निरस्त कर दिया गया है। तो क्या कहा गया है न्यूज़ में, तो पूरी खबर सुन लीजिएगा। यूपी लेखपाल भर्ती मामले को लेकर अभ्यर्थी लगातार इंतजार में बैठे हुए हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि आयोग हमारा रिजल्ट जल्द ही जारी कर दे, लेकिन आयोग का कहना है जब तक हाई कोर्ट से मामले क्लियर नहीं हो जाते, लेखपाल भर्ती मुद्दे को लेकर हम रिजल्ट जारी नहीं कर सकते। बता दें, आंसर की विवाद को लेकर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसकी सुनवाई 15 से 16 फरवरी को एक बार फिर से डेट लगी हुई है। लगातार कई सुनवाई भी हो चुकी हैं। अब जैसे ही मामला कोर्ट में फाइनल होता है, उसके बाद आयोग भर्ती पर निर्णय ले सकता है। परीक्षा में कलेक्ट्रेट कर्मचारी के तार जुड़े होने के मामले में प्रयागराज डीएम की ओर से गठित 2 सदस्यीय जांच कमेटी ने पुलिस को पूरा विवरण मांगा है। रिपोर्ट मिलने के बाद 1 सप्ताह में जाँच पूरी होने की बात यहाँ पर कही जा रही है। लेखपाल मुख्य भर्ती परीक्षा का पेपर आउट के मामले में पुलिस की जांच में एडीएम सिटी कार्यालय में प्रतियोगी परीक्षा पटल पर तैनात लिपिक लक्ष्मी शंकर यादव की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार की ओर से पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई के लिए कहा गया है कि इसी क्रम से संबंधित कर्मचारी का तबादले के साथ एसडीएम ने इस मामले को दोबारा जांच और एडिशनल एसडीएम को सौंपी है। जांच कमेटी की ओर से एसटीएफ से पूरे मामले की रिपोर्ट यहां पर मांगी गई है, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं हो पाया है। ऐसे में उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर विवरण मांगा जाएगा। डीएम संजय कुमार खत्री पर का कहना है कि पुलिस मुख्यालय को जल्द ही पत्र लिखा जाएगा। तो भर्ती को रद्द तो अभी नहीं किया गया है, पर रिजल्ट को लेकर काफ़ी देरी हो सकती है, क्योंकि जो मामला है वो अभी कोर्ट में है और आज 16 फरवरी है। आज भी इस मामले की सुनवाई होगी, क्योंकि लगभग जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे लेखपाल के अंदर, सभी पर आपत्ति दर्ज की गई है। तो इसलिए ये बहुत ही पेचीदा केस बन चुका है। तो देखते हैं कब तक ये सॉल्व होता है। तो लेखपाल की भर्ती रद्द नहीं की गई है, इस बात पे आप भरोसा मत कीजिएगा। कोर्ट केस जैसे ही सॉल्व होगा, वैसे ही रिजल्ट का अपडेट